हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी फ्लावर बनाना। जो फ्लावर हम बनाते हैं वो दो टाइप से बनते हैं। एक तो पॉम पॉम बनते हैं, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हो। और जो दूसरा पॉम पॉम बनता है, जो दूसरा फ्लावर बनता है, ये जो फ्लावर है बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल ये जो फ्लावर है बिल्कुल मैरीगोल्ड के जैसे लगता है। और मैंने इसमें दो कलर लिए, एक वाइट कलर और एक मेहरून कलर। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुंदर लगता है। इससे जो मैं डिजाइन बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये अड्डा लिया है, जो इसका डिजाइन, जो ये फ्लावर बनता है वो इस अड्डे पे बनता है, क्योंकि हम इसे हाथ से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ वाइट कलर का, जैसे ये वाला बनाया है उसी टाइप से इसमें हम वाइट कलर का बनाएंगे। तो सबसे पहले लगा लूँगी मैं इसमें एक नॉट्स इस तरीके से, ये देखिए। और ये आपको जो ये इसका फ्रेम है, ये जो फ्लावर बनाने का, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा। आप बनाने का तरीका देख सकते हैं, ये देखिए। और इससे दो टाइप का फ्लावर बनता है, बड़ा भी बना सकते हैं हम, जो साइडों में आप देख सकते हो, और छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं छोटे वाले ही बना रही हूँ अभी। ये देखिए, इसमें से डबल लेना है इसको, जैसे डबल निकालना है। देखिए, जितना हम इसको एक दूसरे में से इसमें से निकालेंगे, और धागे को ऊन ली है हमने ये, तो उसी तरीके से ये भारी होगा। फ्लावर की शेप है वो ज़्यादा भारी होगी। ये देखिए इस तरीके से, ये पॉम्पम जो हम बनाते हैं उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये वाला, और इसे बनाना भी सिंपल है। देख सकते हैं आप, और इसमें ऊन भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। और जो हम पॉम्पम में ऊन लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऊन वेस्ट होती है, इस वजह से इस फ्लावर को बनाना चाहिए। और ये जो आपको फ्रेम है, ये आपको मैंने बता दिया है, कहीं किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना डाल लिया है इसके अंदर, जितना भी इसमें गैप है इसको हम पूरा भर लेंगे। क्या है कि जितना हम इसको ऊन डालेंगे इसमें, इतना ही ये सुंदर बन के आएगा। आप इसे हल्का भी बना सकते हो, लेकिन जितना भारी करेंगे उतना ही सुंदर बनेगा। और इसमें से इसको निकालना मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको, जो ये पूरे अभी बाकी हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा ज़्यादा बार इसमें ऊन डाल लेंगे, और ऊन मैंने नॉर्मली ली है, ये देखिए। इसको ऐसे ही कंप्लीट करके रेडी करूँगी पहले। अभी देखिए, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, और जहाँ से हमने इसको शुरुआत की थी, आप धागा देख सकते हैं निकला हुआ है, जहाँ से शुरुआत की थी उधर से ही लाके हमने इसको छोड़ दिया है, और इधर से हमने इसको कट कर दिया है सीजर से। तो देख सकते हैं, अब मैंने ये छोटी वाली सेफ्टी पिन ली है, और इसको हम इधर से, इसको जो इसमें जो बीच में हॉल रहता है उससे हम इसको अब बांधेंगे, मतलब कि ये खुलना नहीं चाहिए इस तरीके से। इसमें अब एक दूसरे से इधर से निकाल के और इसमें नॉट्स लगा लेंगे। देखिए, इधर से जितनी बार भी हमने ये डाला है, उधर हर किसी में आप देख सकते हैं हॉल्स है, हॉल है जो बीच में, इधर से शुरू बात करेंगे और बीच में से इसको हम इधर से निकाल देंगे। देखिए, जैसे हमने इधर से निकाला है इसको, और फिर से हम बीच से एक बार, आप देख सकते हैं इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही सिंपली है, और ये बहुत ही सुंदर भी लगता है बनने के बाद में। फ्लावर आप इसे किसी पे भी, जैसे बच्चों के फ्रॉक वगैरह रहते हैं, किसी पे भी आप इसे, या ड्रेस पे भी लगा सकते हो, और इसका डोर हैंगिंग भी बहुत ही सुंदर बनता है। ये देखिए, इधर से
ये देखिए जिधर से हमने इसकी शुरुआत की थी उधर पे ही लाके इसको रोकना है। ये देखिए इधर से अगर जैसे ऊन थोड़ी छोटी पड़ जाती है तो बाद में हम उसमें एक नॉट्स लगा के फिर से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए इधर से इस तरीके से क्या है कि जो ये फ्लॉवर है ये बिल्कुल टाइट हो जाता है अच्छे से। अभी देखिए फ्रेंड्स ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसको हमने ये देखिए नीचे की तरफ से इसको ये देखिए आप देख सकते हैं फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। मैंने पूरा फ्लावर आपके सामने ही बनाया है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद में ये। और ये इसका अड्डा है देख सकते हैं आप। और इसमें हम बड़ा भी बना सकते हैं इस वाले से। और इसमें मैं जो छोटा बनाया है मैंने ये देखिए इतने सारे अभी बना लिए हैं, मेरे को ये काफ़ी बनाने हैं। मैंने अभी 3 व्हाइट कलर और 2 मेहरून कलर बनाया है। और जो ऊन ली है वो ये वाली ऊन ली है, आप देख सकते हैं नॉर्मली ऊन है ये। ये मैक्रेम से नहीं बनता है, ऊन से ही बनता है देख सकते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही सुंदर लगते हैं बनने के बाद में। इसका जो डोर हैंगिंग बनता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी करते हैं हम वीडियो का एंड और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरे फ्लावर बनाने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं एंड वीडियो का। चाय बना रही हूँ।